हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी यू हेल्प ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक UMC नोटिस जारी किया गया है। जिन स्टूडेंट की एग्ज़ाम के दौरान UMC मन गई थी उनके लिए नोटिस है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया नोटिस के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं UMC केसेज हियरिंग के सेक्शन में मार चुके हैं, जो आपका नोटिस रहेगा देख लेते हैं। BCOM 5th and 6th, साथ में BSc 5th 6th एंड बी फार्मेसी 1st, 3rd, 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, रीपी स्टूडेंट हैं, जिनके एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हुए थे, उनकी जो सुनवाई है 20 जुलाई को सुबह 10 बजे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से कोर्स के स्टूडेंट की BCOM 5th 6th सेमेस्टर, BSc 5th 6th सेमेस्टर, बी फार्मेसी 1st, 3rd, 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, रीपी स्टूडेंट हैं, उनकी जो UMC की सुनवाई, उनका जो केस बन गया था, उनकी जो सुनवाई 20 जुलाई को सुबह 10 बजे है। नोटिस को डाउनलोड करके देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस के अंदर डिटेल में। ये देखिए दोस्तों, नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हुए थे और एग्ज़ाम के दौरान UMC बन गई थी उनके लिए नोटिस है। BCOM, BSc और बी फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो UMC की सुनवाई है 20 जुलाई को सुबह 10 बजे होगी। ठीक है दोस्तों, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एम डी यूनिवर्सिटी रोहतक में उनको पहुंचना है। कितने बजे रिपोर्टिंग करनी है, सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है और 10 बजे उनकी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हैं। स्टार्टिंग में सीरियल नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर, ईयर, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पेपर आईडी, यहाँ से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। कौन सा कोर्स है दोस्तों, BCOM 5th 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए। सेमेस्टर 5th रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आईडी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर BCOM के जो स्टूडेंट हैं उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर BSc 5th 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं किन स्टूडेंट की UMC मनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप रोल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आप UMC लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही UMC लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।